कंडीशन क्या होगी, डेल्टा ओ लेस देन पी, ये कंडीशन होगी पी के लिए, ठीक है, इसीलिए वो फेवरेट नहीं कर पा। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में तो ये क्या करो, बीपीटी पेपर में क्या नहीं की थी पी के लिए, तो क्यों नहीं की थी, क्योंकि फेवरेट एनर्जी से ज्यादा है, भूल जाओ तो याद रखना इलेक्ट्रॉन कभी वहां नहीं जाता जहां की एनर्जी ज्यादा हो। समझ में आ गई क्या बात अच्छे से, ठीक है। अब एक चीज और समझे, मास यहाँ से इसको कंफ्यूजन है बेटा तुम्हें, सीएफटी के लिए बी के लिए केवल एक ही कंडीशन है, ये वाली डेल्टा ओ लेस देन पी, ओके। अब एक और विद्या का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर ले, सीएफएसी निकालते कैसे है बेटा, मैंने तुम्हें क्या बताया था, कोई एग्जांपल ले लो ना, तो माइनस 12 इक्वल आएगा, ये जो
ध्यान रखो किसी भी एग्जाम्पल के लिए ना सिलेबस की वैल्यू 10 डिग्री से ज्यादा नहीं आ सकती कभी, क्योंकि टोटल डेल्टा होगा की वैल्यू कितनी होती है 10 ही होती है, तो 10 के अंदर अंदर ही आएगी जितनी भी आनी है, समझ गए। और बोलो आ गया समझ में स्नेहाशी मैम, सीओ में से 3 इलेक्ट्रॉन कम नहीं करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन कम ये ध्यान देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हम सिलेक्ट टेबल पढ़ेंगे, जो पीपीटी का लिमिटेशन नंबर 3 आता उस 3 लिमिटेशन का सॉल्यूशन ठीक है मैम। सिद्ध वाला क्या सिद्ध वाला कोई भी एग्जांपल है क्या कल का दिखा कौन सा था पेपर यार मैं मुझे तो इनमें से किसी एग्जाम्पल में ऐसा लगता नहीं है इसका मतलब ये सीएफटी नहीं समझ गया नंबर और ये
इन्हीं चारों के चारों का इस बार इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगी। तो मैं अगली बार आज आएगी तो अपनी बार बताओ फाइव क्वेश्चन किसको लगा समझ गए। रिवर्सन कम किसका हो गया इसका तो ईजी नीचे आ जाएगी ऊपर। ये ध्यान से सुनो बेटा जिस बच्चे ने ए एनर्जी आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का याद कर लिया ना तो एग्जाम में बिल्कुल अपोजिट कर दो वही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का होगा सब कुछ अपोजिट हो जाएगा उसमें। जब वहां डीजी का बनती थी नीचे डीजी कहां बनता था ऊपर अब की बार डीजी कहां बनेगी ऊपर बनेगी और डीजी कहां बनेगी नीचे बनेगी। आगे बात समझ में इसका रीजन तुम्हें पता चल गया कि इस बार हाई क्वेश्चन की हुआ है उन तीनों को x y y z और x z वालों को जिसको अपने डीजी नाम दिया और ये देखो ये उसका क्या है बिहार है विजिबल रीजन डैश डैश से शो करते हैं ऐसे ये विजिबल हो गया। अब बोलो उधर याद करो उधर विजिबल रीजन से ऊपर की एनर्जी कितनी थी ईजी की एनर्जी कितनी थी वहां 3/5 पर 3/5 कितने थे नीचे कितना रखते थे 2/5 और उल्टा करना है पूरा ये ध्यान रखो कि टीजी के पास वहां कितना नंबर था 4 और ईजी के पास कितना था 6 अगली बार ईजी नीचे आता है ईजी का नंबर भी नीचे आएगा पूरा का पूरा एनर्जी डायग्राम कवर करना है वहां 6 भी को रहने दे ऊपर 2 कहां जाएंगे नीचे और 4 डी को कहां चले जाएंगे 4 डी को तुम 2/5 भी लिख सकते हो बताया था मैंने तुम्हें और 6 को तुम 3/5 डेल्टा और भी लिख सकते हो डेल्टा और नहीं सॉरी डेल्टा टी यहाँ हम डेल्टा ओ की जगह क्या लिखेंगे टी लिखेंगे टी नॉन टेट्राहेड्रल टी का मीनिंग टेट्राहेड्रल है मतलब चार वालों के लिए है। अब मेरी बात सुनो कोई साइन तो वही होंगे प्लस माइनस वाले ऊपर रहने वाले का साइन क्या होगा प्लस नीचे रहने वाले का माइनस। अब तुम्हें दिख रहा है पूरा एनर्जी डायग्राम बिल्कुल रिवर्स फॉर्म है समझ में आ रही है बात दिन से एक रेसिप्रोकल फॉर्म बन गई है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। आगे ये बात हमको समझ में मेरी बात दोबारा सुन ले इसमें डायरेक्ट रिवर्सन की होता है एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड इसलिए टीजी हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे उनकी एनर्जी 4 की तो और भी ऊपर चली जाएगी टीजी नीचे आएंगे उनकी एनर्जी 6/5 की तो वो भी नीचे आएंगे ठीक है। DQ की फुल कीर्ति DQ ही होता है कोई फुल फॉर्म कुछ नहीं है ठीक है। जैसे ये नहीं है कि भाई अपन क्या लिखते हैं म्यू के लिए अपन क्या लिखते हैं म्यू के लिए म्यू मतलब है डाइपोल मोमेंट तो अपन डाइपोल मोमेंट निकालते तो BM लिखते हैं वो तो है बोर मैग्नेट ये DQ ही है इसको भी आज तक किसी ने फुल फॉर्म नहीं देखी बस ऐसे बोलते इतनी DQ एनर्जी ओके। आप देखो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान लगा हाँ भाई मैंने कहा ना डिसएडवांटेज नंबर 3 बोलो क्या था बीबीटी का मेजर डिसएडवांटेज नंबर 1 कलर एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ये सब बच्चे दिमाग में बात है कि गलत हुआ आगे का समझ में गलत हुआ था। नंबर 2 पॉइंट स्ट्रांग को बी की डेफिनेशन बना सके इसमें क्या होगा डेटा ऑपरेटर की होगा डेटा ऑफ एस होगा तो स्ट्रांग बी होगा फिर उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3 इसको एक्सप्लेन नहीं किया था इसलिए इसलिए स्पिन को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए डेरिवेटिव स्पिन एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कब हाई बनता है और लो बनता है क्यों बनते हैं ये ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद जैसे देखो तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए क्या कहा था कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग आएगा ना तो वो पेयरिंग कर देगा और पेयरिंग करने की वजह से उसके अंदर नॉन स्पिन बनता है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है इनमें कुछ केस ही अलग है देखो क्या केस अलग है देखना ध्यान से सुनो ये चीज ध्यान रखते देखो तुमने क्या देखा है डायग्राम में स्पेशल चीज देखो ऊपर एनर्जी में देखो कितनी इंक्रीज हो रही है एनर्जी 4 डी जबकि एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है समझ में आ रही है बात तो ध्यान दे बेटा एनर्जी इंक्रीज बहुत कम हो समझ में आ रही बात एनर्जी इंक्रीज देखो केवल 4 डी की हो रही है मतलब ये वाला डेल्टा टी है समझ में आ रही है बात डेल्टा टी है और यहाँ रहने वाली है वो पेयरिंग एनर्जी। अब देखो तुमने भरा इलेक्ट्रॉन 1 2 तो हमेशा कहाँ जाएंगे नीचे अब आया तुम्हारा कौन सा इलेक्ट्रॉन 3 वाला
जी यहाँ तो दो को करने की जगह दो जाएंगे, और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उसने खड़ा होकर यहाँ देखा कि जब मैं ऊपर चला जाऊँ तो एनर्जी लगती है 4 डिग्री, अगर मैं नीचे रहूंगा तो एनर्जी कितनी लग रही है 6 डिग्री, एनर्जी ज्यादा लग रही है ना नीचे रहने में, तो वो बिना किसी रुकावट के कोई बम प्रेशर नहीं वो सीधा कहाँ चला जाएगा। आई बात समझ में?
फिर बाद में एनसीईआरटी नहीं है वो लड़का है एनसीईआरटी उस क्लास में बैठा है और उसने अभी एक क्वेश्चन में तुम लोगों को बता देती हूँ देखो किस टाइप से आप लोगों को सॉल्व करना है ऐसे सिस्टम वही रखना है सब कुछ वही रखना है दिमाग ये करेंगे ये क्वेश्चन क्या करना है कि इसमें आई से बनता है जैसे मैंने इसमें एक क्वेश्चन दे दिया NaCl4- ठीक है करना वैसे ही जैसे उसमें करते हैं मैम लिंक YouTube पर अपलोड कर देना दीक्षा करके नहीं है क्या बोलो कल की वीडियो अपलोड नहीं की समझ में आ गया बात की सब कुछ वैसे ही करना है ठीक है स्ट्रॉन्ग है जो भी है आप देखो ए को ऊपर कैसे करेंगे तो आप कॉम्बिनेशन नंबर 4 में पहले को ऊपर जाएगा बी और बाद में लिखी जाएगी बी देखो कैसे करोगे 1 2 बी है कंडीशन को के कुछ नहीं करना 1 2 3 4 5 ऊपर आकर से फिर नीचे आ जाओ 6 7 और फिर ए तो ईजी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 समझ गए और बीसी में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए देखो दोबारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 तो बीसी में हो गए 4 और बीसी में हो गए 4 समझ गए नंबर ऑफ के इलेक्ट्रॉन आ रहा है समझ में आ गई बात एक एक्स्ट्रा हो गया स्ट्रांग होगा जब इतना आंसर देखिए कहीं आता है पास कैसे देख 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 अब आंसर देख पीपीच में कितने हैं 4 सॉरी ईच में कितने हैं 4 पीपीच में भी कितने हैं 4 आंसर तो सेम ही है समझ में आ गई बात पेयरिंग मैंने तुम्हें बताई ना पेयरिंग वो अगर स्ट्रांग होगा तो पेयरिंग कर रहा है बिल्कुल नीचे ईजी में 4 ये पीपीच में ऊपर जाएंगे कंडीशन को क्या तो वही लगाने की प्रॉब्लम सिर्फ रीजन ये ध्यान रखना है कि स्ट्रोक का बीच भी था दोनों के तो वो भी देख लो आंसर तो वही आ रहा है इसका मतलब ये है कि इसमें हाई स्पिन वैल्यू होता है मोस्टली हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्स लो स्पिन नहीं होता ठीक है समझ जब भी तो अपन बीबीटी के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे इसका स्पिन क्योंकि वहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पता ही नहीं चलता कि पेयरिंग होने के बाद भी कई बार आंसर हाई स्पिन दे देता है जैसे मैं तुझे आंसर बताऊंगा एक जैसे अपन ये पढ़ा था एक CuNS3 4 वाला एग्जांपल जब अपन ने क्या किया था इसका इलेक्ट्रॉन पी जेड में डाल दिया था तो इसको अपन ने क्या कहा था कि ये हाई स्पिन है जबकि ये लेड बॉक्स है इसको और जब अपन बोर करे दिमाग लगाए तो अपने को पता है कि अगर लिगैंड स्ट्रांग आ जाता है तो स्पिन लो होता है तो इसमें तो लिगैंड स्ट्रांग होने के बाद भी स्पिन कैसा कंट्रैक्ट था इसका रीजन सीएफ ने समझाया कि मेरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो स्पिन हाई आता है इसका रीजन होता है कि इन लोगों के पास भी इतनी एनर्जी तो रहता है लेकिन उसकी वैल्यू कम होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन उसको क्रॉस करके सीधा हाई लेवल पे चले जाता है ठीक है कीर्ति क्या पूछ रही है बेटा एन की वैल्यू बिल्कुल 2 है बेटा इसमें ठीक है एन की वैल्यू 2 ही है अब तीनों पॉइंट हो चुके हैं आनुपीएसी हो गई बीबीडी हो गई सीएफ हो गई बताओ सबसे मजेदार पॉइंट कौन सा लगा कि आईपीएससी डिग्री और सीएफटी सबसे शानदार कौन सा आया तुम लोगों को समझ में ये तीन ही तो है मैं नॉन सब्जेक्ट के लिए है साइंस में तो बहुत ही अच्छी चीज है बोलो कौन सा बहुत बढ़िया टॉपिक लगा आप लोगों सारे में आर लगे पर कुछ बढ़िया नहीं कीर्ति सीएफटी बढ़िया लगी हेलो मैडम मैं तो सभी अचानक तो दोनों नहीं है सिर्फ तीन हो अरे आईपीसी नंबर प्लेट में जितना मजा आता है आपको भी तुमने मुझा क्या आईपीसी नंबर प्लेट में करते हैं ठीक है हाँ जैसे देखो से आज इस मान से रखी आप पढ़ो आईसो मैरिज बहुत ही बढ़िया इजी टॉपिक है समझ में आ रही बात सुने क्या है सिद्धार्थ कह रहा सब बढ़िया है ठीक है आप देख बेटा आइसोमेरिज किसको कहते हैं
मैं एक बहुत सिंपल डेली लाइफ का एग्जांपल क्या दे, मान लो मैंने दो बॉयज को प्रारंभ दिया, क्लास में से उठाया यहाँ सामने कर, दोनों को मैंने कहा ये दोनों बच्चे एक दूसरे के आंच को मारे, इस बात का मीनिंग समझते हो तुम, दोनों ही क्या है बॉय, दोनों के पास में वही दो आंखें कान नाक सब कुछ है, समझ में आती बात जे क्या कह रहा है कोऑर्डिनेट का, हाँ जी। तो बेटा मैंने क्या कहा कि दोनों बॉयज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है सेम, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है क्या, क्या होगा मेरे सुनता है क्या, दोनों बॉय है पर फिर भी उनकी शक्ल नहीं होती, मैं छोटा है केस नहीं होता, तो मैंने कह दिया हम दोनों ये दोनों जो बॉय है वो एक दूसरे के आई स्कूल आई सो मेरे की यही करेक्टर, ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा सेम होगा बट स्ट्रक्चर सेम, समझ में आ रही है क्या बात, वही सारी चीजें वही एटम्स दोनों के पास होंगे, जैसे कार्बन दोनों के पास बराबर है, जो जो एटम वो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो सब सेम होंगे, लेकिन फिर भी उनकी स्ट्रक्चर सेम नहीं होगी। अभी अपन देखते हैं देखो पास नया आइसोमर किसको कहते हैं, आइसोमर आइसोमेरिस को करेक्टर बायो मॉलिक्यूल्स, बायो में कौन से केमिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डस नॉट सेम स्ट्रक्चर, लेकिन जिसकी स्ट्रक्चर सेम नहीं होती उन्हें ही अपन बोलते हैं आइसोमर, और इसी करेक्टर को बोला जाता है आइसोमर, समझ गए क्या। अब आइसोमेरिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं,